इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से अपना खुद का टूल बना सकते हो और उस टूल को blogger.com के ऊपर वेबसाइट बना के अपलोड कर सकते हो। और उस टूल के अपलोड करने के बाद जो है, अगर आपके टूल के ऊपर ट्रैफिक आने लग जाता है, जो कि ऑफ कोर्स आएगा ही, क्योंकि ये टूल वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इन टूल्स की डिमांड सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि यूएसए, कनाडा एंड ऐसी कई कंट्रीज के अंदर जो है इन टूल्स की डिमांड है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इनसे जो है ट्रैफिक जनरेट हो सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको PNG टू GPG कन्वर्टर टूल क्रिएट करके दिखाऊंगा। देखिए, मैं चैट जीपीटी से अपनी टूल की पूरी कोडिंग करवाऊंगा, उस कोडिंग को जो है ब्लॉगर के ऊपर पेस्ट करके आपको बताऊंगा। टूल बहुत ही यूनिक होने वाला है और वीडियो भी काफी यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला है, राइट? ये वो हिडन मेथड है जिससे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन अब यूट्यूब पे पहली बार मैं सारा सीक्रेट जो है आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, और ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हर कोई घर बैठ के पैसा अर्न कर सके गूगल के प्लेटफॉर्म की मदद से। क्योंकि कोई यूट्यूब से अर्न कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग से अर्न कर रहा है, खैर कमा तो सब गूगल से ही रहे, राइट? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और अगर वीडियो यूनिक लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि उस टूल को कैसे क्रिएट करना है। बहुत ही यूनिक टूल जो है मैं यहां पे बनाने वाला हूं। सो सबसे पहले तो आपको blogger.com पे आ जाना है। गूगल के ऊपर जब आप सर्च करोगे ब्लॉगर, तब आपके सामने ये वेबसाइट आएगी blogger.com, जहां पे आप अपना यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग में कई सारे रास्ते हैं, लाइक अगर आप शायरी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, आप न्यूज शेयर करना चाहो वो भी कर सकते हो, आप करंट अफेयर कर सकते हो। हजारों आइडियाज आपके डेली लाइफ में आपके सामने अवेलेबल है जिनके ऊपर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो बिना किसी वीडियो को बनाए, राइट? यूट्यूब पे क्या रहता है, आपको वीडियो क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हम हर जगह नहीं बना सकते, हर रोज नहीं बना सकते। बट ब्लॉग ऐसा है कि आप बैठे बैठे भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बिना मेहनत किए, राइट? और यहाँ पे टूल वेबसाइट में क्या मेथड रहता है पता है? टूल वेबसाइट में बंदा सिर्फ एक बार मेहनत करता है उस टूल को बनाने में, बाद में जितनी भी मेहनत रहती है उस टूल की प्रमोशन में रहती है, उस टूल की मार्केटिंग में रहती है। बाद में जैसे जैसे लोग उस टूल को विजिट करते हैं वैसे वैसे उनका रेवेन्यू बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा जो वन टूल की वेबसाइट रहती है उनके ऊपर पूरा पेज जो है एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ रहता है, तो उन एडवर्टाइजमेंट का सारा रेवेन्यू जो है वो उन क्रिएटर को ही मिलता है जो उन टूल को, उन वेबसाइट्स को क्रिएट कर दे। सो ब्लॉगर के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस लिंक पे, आपके सामने जीमेल से लॉगिन करने का इंटरफेस आएगा। आप किसी भी अपने जीमेल पे क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको अपने ब्लॉग का नेम सिलेक्ट करना है। तो क्या नाम मैं यहाँ पे रखने वाला हूं? मैं रखने वाला हूं यहाँ पे PNG to JPG कन्वर्टर। सो हमने ये नाम जो है यहां पे सिलेक्ट कर लिया, आप देख ही पा रहे हो। चलिए इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं यहां पे, और टाइटल पे पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमें यहां पे अपने ब्लॉग के लिए एक URL सेलेक्ट करना है, लाइक facebook.com हो गया, youtube.com हो गया। इसी तरह आप ऑनलाइन जो वेबसाइट्स देखते हैं इनमें या तो .in लिखा होता है, .net लिखा होता है, .online लिखा होता है, .com लिखा होता है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे डोमेन नेम है। यहां पे हमको डोमेन नेम मिलने वाला है .blogspot.com। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा डोमेन नेम आपको मिलेगा क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ .com चाहते तो उसके लिए हमें होस्टिंग एंड डोमेन बाय करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कॉस्टली रहेगा। बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो तो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सो आपको यहां पे एक URL सेलेक्ट कर लेना है। URL कैसे सेलेक्ट करोगे? ये जो यहां पे नेम है JPG टू PNG कन्वर्टर, कुछ इसी से मिलता जुलता ही हमें URL बनाना है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं PNG टू JPG कन्वर्टर ऑनलाइन यहां पे हम टाइप कर देते हैं।
हो सकता है ये URL हमें अवेलेबल मिल जाए, बट ये URL अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पीछे 99 लगा के देखा है। सो यहाँ पे ये URL हमें अवेलेबल मिल रहा है, हमारा URL रहने वाला है png2jpgconverteronline99.blogspot.com। हालांकि देखिए ये URL थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको फाइंड आउट करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, बट गूगल सर्च कंसोल में जब आप अपनी साइट को ऐड करोगे तो ये काम भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सेव कर लेंगे हम इसको, सेव करते ही हमारा ब्लॉग जो है बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक काम बचता है, चैट जीपीटी से टूल को क्रिएट करवा के इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो अभी हमने क्रिएट की है यहाँ पे उस टूल को पेस्ट करना है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्लॉगर के जो इंटरफेस के बारे में चीजें बता दूं। देखिए यहाँ पे आप जो भी पोस्ट करेंगे वो सारे पोस्ट शो होंगे, एंड यहाँ पे आपका स्टेट्स दिखेंगे, लाइक आपके कितने फॉलोअर है, आपने कितने पोस्ट किया, आपके कितने कमेंट है, आपके कितने पेज व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कमेंट्स होंगे, यहाँ पे आप एडसेंस से मोनिटाइज करवा सकते हो, और यहाँ पे आप देखिए आपको थीम में आके कोई भी थीम यहाँ से इंस्टॉल कर देनी है अपने हिसाब से, जो थीम आपको सही लगे। लाइक मैं ये थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिसेंट से लग रही है। सो जैसे आप अप्लाई करोगे, थीम जो है आपके इस ब्लॉग के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, आप बिल्कुल गूगल से कोई फ्री थीम डाउनलोड करके उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफकोर्स काफी ईजी है ये प्रोसेस भी, मैं आपको आने वाले वीडियोज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अब आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करना है, न्यू पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, और अब यहां से पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए टाइटल में हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे PNG to JPG कन्वर्टर। सो यहाँ पे अगर हम देखिए PNG to JPG CONVERTER, सो PNG to JPG कन्वर्टर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको अपन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एंड परमालिंक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कस्टम परमालिंक पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये हमने पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे आपको जो है डैश डैश लगा देना है इन स्पेसेज को हटा के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपने डैश डैश यहाँ पे लगा दिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो हमने टाइटल लगाया है इसके नीचे ये जो निशान है इसको ध्यान से लिखिए, इस निशान पे आपको क्लिक करना है। जब भी आपको कोडिंग पेस्ट करनी हो तब आपको HTML व्यू को सिलेक्ट करना है, जब भी आपको नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट बनाना हो तब आपको कंपोज व्यू को सिलेक्ट करना है। सो हम यहाँ पे कोडिंग पेस्ट करने वाले हैं, सो हमने यहाँ पे HTML व्यू को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैंने ऐसा क्या बोला कि इसने ये पूरी कोडिंग मुझे यहाँ पे बना के दे दी है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूं। तो चैट जीपीटी को मैंने बोला राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड फॉर PNG टू JPG कन्वर्टर इन HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विथ JavaScript। सो चैट जीपीटी का क्या रेस्पॉन्स रहा, श्योर हेयर एन एग्जाम्पल कोड फॉर ए PNG टू JPG कन्वर्टर यूजिंग HTML एंड JavaScript दैट इज रेस्पॉन्सिव, यानी कि ये काम कर रहा है कोड। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कोड का ऑप्शन आपको क्लियर कट राइट हैंड साइड में अपर साइड में शो हो रहा है। देखिए अगर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करने जाएंगे हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे ये टास्क, बट आप यहाँ पे वन क्लिक में कॉपी कर सकते हैं पूरा कंटेंट। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर के उस HTML वाले पेज के ऊपर, जहां पे आप देखिए HTML व्यू पे सिलेक्ट करके आपको ये कोडिंग पेस्ट कर देनी है। अब देखिए हमारी कोडिंग यहाँ पे पूरी तरह से पेस्ट हो चुकी है, अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं कि ये कैसा शो होगा। सो जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आप देखिए हमारे सामने यहाँ पे इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप का शो होगा, ये क्रिएट हो चुका है। देखिए PNG टू JPG कन्वर्टर, यहाँ से हमें जो है फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। सो सारा डेटा जो है यहाँ पे बताया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे मोबाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल में किस टाइप का इंटरफेस रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जब आप टैबलेट पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि टैबलेट में इसका इंटरफेस कुछ टाइप से शो होगा वो यहाँ पे बताया गया है। ये जो नीचे स्पेस आपको दिख रहा है ये और ये अपर साइड का ये स्पेस, यहाँ पे बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह है।
आपने ऐसी वन टूल वेबसाइट्स को विजिट किया होगा जहां पे इन जगह पे अपर साइड, लोअर साइड, साइड में, इन सब जगह पे एडवर्टाइज भरी हुई रहती है, क्योंकि ऐसे टूल्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे आपका जो है कुछ इस टाइप से वेबसाइट शो होगा। आइयो ये सारा डेटा जो है आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने क्वेश्चन पूछेगा पब्लिक पोस्ट का। सो यहाँ पे हमको कंफर्म कर लेना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे ये हमारा पोस्ट जो है पब्लिश हो जाएगा, जो कि हमारे सामने हो चुका है। अब इसको आप जो है यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये लोगों को कैसा दिखेगा जो यहाँ पे विजिट करेंगे। ये देखिए चूज पीएनजी फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहां से आप कोई भी फाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए ये पीएनजी फाइल है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन करके आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो इजीली, और ये पूरी प्रोसेस आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कुछ ना कुछ नया आपने सीखा है। बेसिकली ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो चैट जीपीटी की मदद से क्या क्या करवा सकते हैं। सो आई होप आप सबको पता लग पाया होगा कि चैट जीपीटी हमारे लिए कोडिंग भी कर सकती है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही जो लोग ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट फाइंड आउट करते हैं उनको भी इस बारे में बताइए, ताकि वो भी अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सके। फिर चाहे वो कॉपी पेस्ट नीच पे हो, कोई यूनिक खुद का कॉन्टेंट हो, या फिर टूल वेबसाइट ही क्यों ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।